गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम चर्चा करेंगे भारत के अंदर समाजवाद का विकास किस प्रकार से हुआ। इससे पहले हमने पढ़ा समाजवाद का क्या मीनिंग है। समाजवाद का अर्थ है विद्यार्थियों, शोषण रहित समता मूलक समाज की स्थापना करना तथा उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होकर के समाज का अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था को हम समाजवाद कहते हैं। फिर समाजवाद के विकास की बात करें तो हमने पढ़ा जेनेका स्टाइक दर्शन, फिर थॉमस मूर की यूटोपिया पुस्तक मध्यकाल में आते आते, और उसके बाद में रॉबर्ट ओवन हैं ब्रिटेन के अंदर जो पहल की, और फिर औद्योगिक क्रांति जिसके कारण ब्रिटेन जो है विद्यार्थी समाजवादियों का एक घर बन गया। ये सारी बातें समाजवाद के विकास के अंदर सहायक सिद्ध हुई। अब भारत में समाजवाद के विकास की चर्चा की जाए विद्यार्थियों, भारत में समाजवाद का विकास, भारत में समाजवाद का विकास, और इसमें पहली बात जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन अब ये लाहौर अधिवेशन जो 1929 के अंदर विद्यार्थियों हुआ, इसके अंतर्गत ये घोषणा की गई कि भारत के अंदर गरीबी का कारण सिर्फ विदेशी शासन नहीं बल्कि यहां की आर्थिक व्यवस्था है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में कहा गया कि भारत में गरीबी का कारण केवल विदेशी शासन नहीं है, बल्कि आर्थिक व्यवस्था है, अब लाहौर अधिवेशन में ये बात कही गई कि हम जो गरीबी के लिए भारत की जो आर्थिक हालात है उसके लिए जिम्मेदार हम सिर्फ विदेशी शासन को नहीं ठहरा सकते, इनके लिए बहुत हद तक हमारी आर्थिक व्यवस्था जिम्मेदार है। जो जमींदारी व्यवस्था है उसके अंदर जो किसान है उनको तो फसल का बहुत कम हिस्सा नसीब हो पाता है, बाकी तो जमींदार जागीरदार वो हासिल के तौर पर ले लेते हैं। इसलिए हमें अगर गरीबी को दूर करना है, व्यवस्था में सुधार करना है, तो इसके लिए पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कराची जो अधिवेशन हुआ 1931 के अंदर, इसमें भी कहा गया कि स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं आर्थिक स्वतंत्रता भी है। कराची अधिवेशन इस अधिवेशन में कहा गया कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं
राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी है। आर्थिक स्वतंत्रता भी है, यानी हम सिर्फ स्वतंत्रता को केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से जोड़ देंगे, हम अंग्रेजों से मुक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर यहां पे राजशाही शासन दे देंगे, राजा के हाथ में वापस सत्ता, तो वही पुरानी शासन व्यवस्था वापस कायम हो जाएगी। तो भले राजा शासन करो, भले अंग्रेज शासन करो, उससे हमें क्या मतलब है? जनता का पार्टिसिपेशन तो नहीं होगा ना। यानी सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से काम नहीं चलेगा, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता को भी बदलना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसानों का शोषण हो रहा है, आम व्यक्ति जिस प्रकार से पीछा जा रहा है, जब तक इन्हें शोषण से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो सिर्फ पॉलिटिकल लिबर्टी से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में इकोनॉमिक लिबर्टी भी आवश्यक है। इसके अलावा अगर देखा जाए विद्यार्थियों, भारतीय नेताओं का योगदान विशेष रहा। भारतीय नेताओं का योगदान। अब भारतीय नेताओं में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विद्यार्थियों परिस्थितियों के अनुसार, और साथ साथ में अगर देखा जाए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद का प्रतिपादन किया। किसने? गांधी जी ने, महात्मा गांधी ने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद का विकास किया, ठीक है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर राज्य का भी समर्थन किया, राम राज्य की बात कही इन्होंने, और ये भी कहा कि जब तक आम व्यक्ति को गरीबी से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से जो खुलापन, जो विचार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के थे, तो उन्होंने समाजवाद का समर्थन किया, लेकिन वो परिस्थितियों के अनुसार समाजवाद का विकास किया कि उस समय परिस्थितियां कैसी थी, उस अकॉर्डिंग जो है समाजवाद का उन्होंने समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, यानी ऐसे कई विद्वान थे विद्यार्थियों, जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय, बोस, सुभाष चंद्र बोस, जेपी नारायण, तथा दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद, तो समाजवाद का विकास किया जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, सुभाष चंद्र बोस, एम एन रॉय, जेपी नारायण तथा दीनदयाल उपाध्याय का
एकात्म मानववाद समाजवाद में महत्वपूर्ण भूमिका है। आ सकता है भारतीय समाजवादी नेताओं के नाम बताइए, तो ये महात्मा गांधी से लगा करके इनका, तो एकात्मक जो मानववाद है विद्यार्थियों, ये कई बार आया है, किस समाजवादी विचारक ने एकात्म मानववाद का विचार दिया? एकात्म मानववाद यानी मानव मात्र, यानी मानव सब एक जैसे हैं, मानव होने के नाते मानव के साथ में जो व्यवहार हो, समाजवाद में समाज में जो रेस्पेक्ट हो, इसकी बात जाति पाति धर्म सबसे ऊपर उठ करके समाजवाद की धारणा जो दी विद्यार्थियों, वो दीनदयाल उपाध्याय ने दी। तो इस प्रकार से इनका, इन नेताओं का महत्वपूर्ण तो योगदान। दो नंबर का सवाल पूछ ले, भारत के अंदर समाजवादी नेताओं के नाम बताइए या समाजवाद के समर्थक, भारतीय समर्थकों के नाम बताइए। तो इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, M.N. रॉय, ठीक है ना, और JP नारायण, और महत्वपूर्ण योगदान एकात्म मानववाद में देने वाले दीनदयाल उपाध्याय। इसके साथ साथ अगर देखा जाए व्यवहारिक स्थिति, व्यवहारिक स्थिति अगर व्यवहारिक स्थिति की बात की जाए तो सीधी सी बात है कि स्वतंत्रता से लगा करके अब तक केंद्र में शासक और विपक्षी दल अपने आप को समाजवाद का पक्षधर घोषित करते हैं, किंतु व्यवहार में आर्थिक विषमता आज भी मौजूद है। स्वतंत्रता से लगाकर आज तक पक्ष व विपक्ष अपने आप को समाजवाद का पक्षधर कहते हैं, समाजवाद का पक्षधर कहते हैं या पक्षधर मानते हैं, लेकिन आर्थिक विषमता, लेकिन आर्थिक विषमता आज भी मौजूद है, लेकिन आर्थिक विषमता जो है विद्यार्थियों वो आज भी मौजूद है। तो व्यवहारिक स्थिति ये है, हाथी के दांत खाने के अवरे दिखाने के अवरे, पक्ष और विपक्ष जो भी आता है, हम तो समाजवादी है, समाजवादी का छोला पहन लेते हैं, कोई राम मनोहर लोहिया के समर्थक मानते हैं, कोई दीनदयाल उपाध्याय के समर्थक मानते हैं, कोई जवाहरलाल नेहरू के समर्थक मानते हैं अपने आप को, लेकिन ये सिर्फ छोला ओढ़ करके आ जाते हैं, समाजवाद का हकीकत कुछ और है, यानी यही पूंजीवादी लोगों के पक्षधर से सत्ता में आते हैं और पूंजीवाद के हित के लिए ही काम करते हैं। तो आज आर्थिक विषमता अगर देखा जाए, गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है विद्यार्थियों, वो आज भी विद्यमान है। अब हम चर्चा करेंगे समाजवाद के तत्व कौन से हैं, समाजवाद के घटक कौन से हैं, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए विद्यार्थियों तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना होगा, समाजवाद के तत्व कहो, समाजवाद के घटक कहो, समाजवाद के गुण कहो, लगभग एक ही, हालांकि गुण अलग दे रखे हैं, लेकिन अगर आप ये तत्व घटक भी गुणों में लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तत्व और घटकों के अंदर तो सारी सकारात्मक नकारात्मक सारी बातें शामिल है, और जबकि गुणों के अंदर सिर्फ सकारात्मक बातों का समावेश होगा। तो समाजवाद के प्रमुख तत्व, समाजवाद के प्रमुख तत्व या घटक या सिद्धांत, कुछ भी कहें, सारा आंसर यही होगा। तत्व पूछ ले, घटक पूछ ले, सिद्धांत पूछ ले, तो अलग से आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, हालांकि यहां तक गुण भी पूछ लेंगे तो भी गुण भी इन्हीं में से ही है,
लेकिन इसमें ज़्यादा है और आपको सिर्फ गुणों को सकारात्मक बातों को ही लेना है, ठीक है ना। तो गुण भी इनमें से लिख देंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये ऑल इन वन क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब मिला करके अगर देखा जाए तो ये बातें इसमें शामिल है विद्यार्थियों। तो समाजवाद के तत्व घटक सिद्धांतों की बात की जाए तो सबसे पहली बात है विद्यार्थियों पूंजीवाद और साम्यवाद का निषेध। नंबर एक, पूंजीवाद व साम्यवाद का निषेध, साम्यवाद का निषेध। निषेध मतलब ना ये पूंजीवाद को मानता है ना साम्यवाद को मानता है, दोनों का निषेध करता है, दोनों को निषेध यानी दोनों का विरोध करता है। कहने का मतलब समाजवाद के अनुसार पूंजीवाद जो है सामान्य जनता के शोषण पर आधारित व्यवस्था है। पूंजीवाद शोषण पर आधारित व्यवस्था है, शोषण पर आधारित व्यवस्था है। कौन मानता है? समाजवाद ये कहता है कि ये आम व्यक्ति का क्या करता है, पूंजीवाद शोषण करता है, और साम्यवाद हिंसा को बढ़ावा देता है। साम्यवाद हिंसा पर आधारित है, हिंसा पर आधारित है। समाजवाद इन दोनों को गलत मानता है, ठीक है। क्यों मानता है गलत? क्योंकि यह कहता है कि पूंजीवाद तो शोषण पर आधारित व्यवस्था है, लोगों का शोषण करता है। आम व्यक्ति का शोषण कैसे? जैसे आगे जो सिद्धांत दिया है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, आगे कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे कि पैसे जो हैं मेहनत होती है मजदूरों की, और मूल्य पैदा कौन करते हैं? मजदूर। और मुनाफा ज्यादा कौन कमाता है? पूंजीपति। तो इस प्रकार से ये शोषण करते हैं लोगों का। और साम्यवाद जो है वो हिंसा पर आधारित है, बस अपने मालिकों उद्योग मालिकों पर कब्जा कर लो, हड़प लो, उनको मौत के घाट उतार दो और मजदूरों का राज स्थापित करो। इस प्रकार से हिंसा पर आधारित व्यवस्था ठीक नहीं है विद्यार्थियों। साथ साथ में अगर देखा जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास, नंबर दो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास, ये गुण में भी आएगा और घटक तत्व में भी आएगा। यानी विद्यार्थियों समाजवाद जो है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद भारत में भी अपनाया गया, तो इसलिए साम्यवाद एक अराजक स्थिति है और पूंजीवाद एक पूंजीपतियों के हितों की बात करता है, तो यह निरंकुश सत्ता का विरोधी है। निरंकुश व सर्वाधिकारवादी, निरंकुश व सर्वाधिकारवादी सत्ता का विरोध, ठीक है। और समर्थन किसका? लोकतांत्रिक व्यवस्था का। अगर समाज का विकास करना है तो निरंकुश और सर्वाधिकारवादी सत्ता से किनारा करना होगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा। साथ साथ में मानवता में विश्वास, ठीक है ना। नंबर तीन, मानवता में विश्वास। मानवता में विश्वास का मतलब यह है विद्यार्थियों पूंजीवाद मनुष्य को आर्थिक प्राणी मानता है, पूंजीवाद मनुष्य को आर्थिक प्राणी मानता है। जबकि समाजवाद जो है मनुष्य को नैतिक प्राणी मानता है। समाजवाद क्या मानता है? समाजवाद मनुष्य को नैतिक प्राणी मानता है, नैतिक प्राणी।
प्यारे विद्यार्थियों, यहां सिर्फ व्यक्ति को आर्थिक प्राणी माना गया, बस धन कमाने का एक साधन माना गया है, ठीक है ना। मानवता चीज है ही नहीं, कोई गरीब व्यक्ति की सहायता कर दो कोई मतलब नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनका ये मतलब नहीं, उनका मतलब पैसों से, हमको सहायता करने से क्या फायदा होगा, ये सोचते हैं। वहां परोपकार दया ऐसी भावना नहीं होती, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहां जो होती है समाजवाद जो है मनुष्य को कैसा प्राणी मानता है, नैतिक प्राणी मानता है और आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों का समर्थन। नंबर चार, आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों का समर्थन। अब विद्यार्थियों, समाजवाद व्यक्ति को आध्यात्मिक व नैतिक प्राणी मानता है, इसलिए आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों का समर्थन करता है। सिर्फ आर्थिक प्राणी बनकर के मनुष्य अपना चौमुखी विकास नहीं कर सकता, मानव जाति का कल्याण नहीं कर सकता, एक मशीन की भांति संचालित होगा मनुष्य, ये ठीक नहीं है। तो समाजवाद का विचार है कि समरस सामाजिक व्यवस्था धर्म और नैतिकता पर टिकी हुई है, इस आधार को मिटाने का प्रयत्न किया तो समस्त व्यवस्था क्या हो जाएगी, ढह जाएगी, ठीक है ना। यानी समस्त व्यवस्था धर्म व नैतिकता पर आधारित, नैतिकता पर आधारित है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो धर्म और नैतिकता पर आधारित है। अगर उस व्यवस्था को हमने बिगाड़ने की कोशिश की तो पूरा की पूरा ये ढांचा जो है वो तहस नहस हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक और नैतिकता पर भी बल देना उतना ही आवश्यक है जितना मानवता के विकास पर हम बल देते हैं। अगर बात की जाए विद्यार्थियों आगे की, तो वर्ग संघर्ष का विरोध, वर्ग संघर्ष का विरोध, वर्ग संघर्ष की बात कौन करता है, साम्यवाद वर्ग संघर्ष को अनिवार्य मानता है। समाज में दो वर्ग है, एक पूंजीपति वर्ग और एक साम्यवाद या सर्वहारा वर्ग, इन दोनों में आपस में क्या होगा, संघर्ष होगा। इस संघर्ष के माध्यम से ही सर्वहारा वर्ग का आधिपत्य स्थापित होगा, जबकि समाजवाद जो है वर्ग संघर्ष को क्या मानता है, हिंसा पर आधारित मानता है। वर्ग संघर्ष औद्योगिक उत्पादन में गतिरोध उत्पन्न करता है, हिंसा का वातावरण जन्म देता है, इसलिए ठीक नहीं है। वर्ग संघर्ष अराजकता वह हिंसा का वातावरण उत्पन्न करता है, हिंसा का वातावरण उत्पन्न करता है जो स्वस्थ समाज के लिए, समाज के लिए उचित नहीं है, उचित नहीं है। कैसे, ये जो वर्ग संघर्ष की धारणा है विद्यार्थियों, ये वर्ग संघर्ष जो है अराजकता पर आधारित है, हिंसा का वातावरण पैदा करता है, इसलिए वर्ग संघर्ष का जितना हो सके जम करके क्या किया जाना चाहिए, विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्ग संघर्ष हिंसा पर आधारित है और हिंसा पर आधारित इस व्यवस्था का जो है विरोध करना ही उचित होगा। इसलिए ये वर्ग संघर्ष ठीक नहीं है, वर्ग संघर्ष से हिंसा अराजकता फैलेगी, जिसके लिए दोनों के लिए नुकसान होगा। हिंसा के वातावरण में मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा और पूंजीपतियों के यहाँ पर उद्योग धंधों में उत्पादन नहीं होगा, जब उत्पादन नहीं होगा तो मजदूरों को मजदूरी कहाँ से मिलेगी। इसलिए ये संघर्ष जो है ये वर्ग संघर्ष उचित नहीं है। साथ साथ में आर्थिक राजनीतिक आजादी का समर्थन, आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन। प्यारे विद्यार्थियों,
समाजवाद यह मानता है कि व्यक्ति को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता से, आप राजनीतिक स्वतंत्रता दे देंगे तो भी काम चलने वाला नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ उसे आर्थिक स्वतंत्रता तो प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है समाज के हितों पर आधारित हो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति को असीमित संपत्ति संग्रह करने का अधिकार दे दिया जाए और एक तरफ जो है लोग भूख से तड़प करके मर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता का तो समर्थन किया, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता जो है वो समाज हित पर आधारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, जिस प्रकार से पूंजीवाद राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, तो समाजवाद जो है इन दोनों का समर्थन करता है। अगर देखा जाए उत्पादन व वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण, उत्पादन व वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण, यह हमने अर्थ में भी पढ़ा कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं हो करके किसका अधिकार होना चाहिए, जनता का अधिकार होना चाहिए, ताकि इन संसाधनों का उपयोग जनता के हितों के लिए किया जा सके, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया जाए, इस बात का भी ध्यान रखें। साथ साथ में उत्पादन का लक्ष्य समाजीकरण, उत्पादन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उत्पादन का लक्ष्य समाजीकरण, उत्पादन का लक्ष्य समाजीकरण, यानी उत्पादन किसी व्यक्ति विशेष के हितों में नहीं होकर के किसके हितों में होना चाहिए, समाज के हित में उत्पादन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक सामाजिक हित को बढ़ावा मिल सके। साथ साथ में संपत्ति के असीमित संग्रह का विरोध, संपत्ति के असीमित संग्रह का विरोध, यानी इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ व्यक्ति को असीमित संपत्ति संग्रह करने की आजादी नहीं है। अगर आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाएगी और वो टैक्स से जो पैसे प्राप्त होंगे उससे लोक कल्याण के कार्य करवाएगी, ताकि व्यक्ति एक आम व्यक्ति का भी हित हो सके, गरीब व्यक्ति के हितों की रक्षा की जा सके और एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। तो किसी व्यक्ति को असीमित संपत्ति संग्रह करने का अवसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। उद्योग धंधों पर अंतिम नियंत्रण राज्य का होना चाहिए। श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य जो है विद्यार्थियों वो ये है, श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य, श्रेष्ठ मानव जीवन का लक्ष्य। यानी इस समाजवाद का मुख्य तत्व यह है विद्यार्थियों कि श्रेष्ठ मानव जीवन कैसे जिया जाए, व्यक्ति का हित प्रदान नहीं होकर के समाज का हित प्रदान हो, ताकि जो है एक श्रेष्ठ मानव जीवन का निर्धारण किया जा सके और समाज के अंदर सब लोग जो हैं एक मानवता का जीवन जी सके, मानव होने के नाते उनके साथ में अच्छा व्यवहार हो, गरीब को या पिछड़े वर्ग के लोगों को हे दृष्टि से नहीं देखा जाए, ठीक है ना। तो सभी समानता स्वतंत्रता पर आधारित हो। तो कहने का मतलब एक ही है विद्यार्थियों कि समाजवाद का जो मुख्य फोकस जो है ऑन इक्वलिटी, ये समाजवाद अवधारणा समानता पर आधारित है, बस समाज में समानता होनी चाहिए। उदारवाद स्वतंत्रता पर आधारित अवधारणा, दोनों में बहुत एक वर्ल्ड का डिफरेंट है, इससे पूरी अवधारणा जुड़ी हुई है। उधर जो है विद्यार्थियों वो इस पर अवधारणा आधारित है उदारवाद की, कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, यानी स्वतंत्रता पर आधारित अवधारणा है। ये स्वतंत्रता की बजाय समानता पर अधिक बल देने वाली अवधारणा जो है वो है समाजवाद, ठीक है। तो ये है विद्यार्थियों समाजवाद के तत्व कहो, घटक कहो, सिद्धांत कहो, अगर गुणों में भी ये लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। जैसे लोकतंत्र व्यवस्था में विश्वास, ये गुण हो गया, मानवता में विश्वास, नैतिक मूल्यों का समर्थन, ठीक है ना, आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन, उत्पादन वितरण पर जनतांत्रिक नियंत्रण, उत्पादन का लक्ष्य समाजीकरण, ये जो बातें जो हैं विद्यार्थियों
ये बातें गुणों के आधार पर आधारित हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।